सो हे गाइज, आज मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आ चुका हूँ। दोस्तों, पहले क्या होता था कि आप जो अपने YouTube चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो डालते थे, उससे आपकी चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होती थी और उसका जो वॉच टाइम है वो वहाँ पे आपका प्लस नहीं होता था, यानी कि उसमें ऐड नहीं होता था। बट दोस्तों, YouTube का नया अपडेट आया, उस हिसाब से दोस्तों किस तरह से आप शॉर्ट्स वीडियो डालकर भी आप अपनी YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, किस तरह से आप कर सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले, वीडियो अच्छे लगे लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक मिनट के नीचे से वीडियो बनाते हैं तो वो वीडियो आपकी शॉर्ट्स में चली जाती है और दोस्तों उसमें आप कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन डाल के अपनी यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यूट्यूब का जो म्यूजिक होता है वो आप वहाँ पे यूज़ कर से तो आपको वहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। बट दोस्तों, आपको एक ट्रिक यूज़ करनी है, जो भी आप अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डालते हैं यानी कि शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं उसमें आपको फ्री म्यूजिक यूज़ करना है। मान लीजिए कि यूट्यूब की लाइब्रेरी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे फ्री ऑडियो तो आपको एनसीएनस का म्यूजिक मिल जाएगा, वो भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, आपका जो वीडियो होता है वो आपको अच्छी तरीके से बनाना है और दोस्तों आपका वीडियो धीरे धीरे ब्राउजर फीचर्स में जाता है, शॉर्ट्स के अगर शॉर्ट्स के फीचर्स में जाता है तो उसका वॉच टाइम उसमें इंक्रीज नहीं होता है। बट दोस्तों, आपका जो वीडियो है वो ब्राउजर फीचर्स के थ्रू कोई भी देखता है, यानी कि मान लीजिए कि आप यूट्यूब पे जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे एक ब्राउजर फीचर्स का ऑप्शन मिल जाता है। आपकी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों ब्राउजर फीचर से कोई भी जो शॉर्ट्स वीडियो है वो देखेगा तो उनकी चैनल पे वो जो वॉच टाइम आया है वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी दोस्तों बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको काफ़ी सारे वीडियो देखने को मिल जाते हैं जब भी आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं, यानी कि यूट्यूब पे एक शॉर्ट्स का ऑप्शन आता है। अगर आपको शॉर्ट्स वीडियो ही देखने हैं तो आप यूट्यूब शॉर्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो वहाँ पे आपको ओनली फॉर शॉर्ट्स वीडियोज भी देखने को मिलते हैं। बट दोस्तों, क्या होता है कि आपका जो वीडियो है वो ब्राउजर फीचर्स में जाता है, उसके बाद सजेशन का एक ऑप्शन आता है। मान लीजिए कि अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो नीचे आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं, जैसे कि सजेशन वीडियो आपको देखने को मिल जाते हैं, तो उसके थ्रू दोस्तों आपकी जो वीडियो का ट्रैफिक है यानी कि शॉर्ट्स वीडियो पे ट्रैफिक आता है तो उसका वॉच टाइम वहाँ पे गेन होगा और आपका वॉच टाइम उसके थ्रू भी आप वहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं और वो वॉच टाइम आएगा उससे आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन भी कर सकते हैं। और दोस्तों, उससे जो भी सब्सक्राइबर आएंगे वो आपकी चैनल पे परमानेंट आएंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी जो वीडियो है वो यूट्यूब सर्च लिस्ट में या तो चल रही है, उसके बाद दोस्तों सजेशन वीडियो से आपकी यूट्यूब चैनल पे ट्रैफिक आया है तो उसके थ्रू भी दोस्तों आप अपनी यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया उसी हिसाब से आप YouTube शॉर्ट्स अपने YouTube चैनल पे अपलोड करते रहिए और दोस्तों इसके थ्रू भी आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों YouTube शॉर्ट्स का अभी काफी ट्रेंड चल रहा है और काफी सारे वीडियो जो है वो भी ट्रेंड में भी आ रहे हैं और YouTube शॉर्ट्स नया फीचर्स है, इसलिए YouTube भी उसे आगे जाने के लिए हेल्प कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप एक नए यूट्यूबर है और आपके पास स्किल है तो दोस्तों आप YouTube शॉर्ट्स के वीडियोस बना के आप अपने YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन भी ऑन कर सकते हैं और काफी सारे पैसे भी कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।